जय माता दी। दोस्तों यहाँ पे हम आ गए हैं जैन मंदिर में, जो कि जोधपुर सलासर रोड के ऊपर स्थित है। यहाँ पर आप आ सकते हैं, रोड पर ही स्थित है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर नीचे 108 माता है, यहाँ पे विराजमान है। आप देख सकते हैं पूरा बना हुआ है, काउंटिंग भी मेंशन की हुई है। काउंटिंग भी मेंशन की हुई, काउंटिंग वहां से स्टार्ट होती है। चलो वहां से चलते हैं, लेट्स सी। ये कौन सा होगा, 123 है। चलो भाई, यहां पे 23 से आपको यहां पे मेन गेट यहां पे यही है, तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे माताओं की विशेषता बताई हुई है कि उपासनी मतलब जो शिव की भक्ति करती है, ये है वो माता। मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाली माता, आगम का अध्ययन करने वाली, आगमन का अध्ययन करने वाली। आगमन का मतलब मुझे भी नहीं पता, आगमन का मतलब स्वागत होता है मेरे हिसाब से। विशिष्ट सिद्धि प्रदान करने वाली, विशिष्ट सिद्धि मतलब कोई विशेष कोई क्वालिटी हो गई प्रदान करने वाली, ये माता है। 34 नंबर पर भूत भविष्य व वर्तमान बताने वाली माता। यहाँ पे एक एक माताओं की विशेषता बताई हुई है। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे आपको हर माता की विशेषता बताए। सबको खुशहाल करने वाली माता, मनोकामना पूर्ण करने वाली माता, विजय दिलाने वाली माता। अगर आपको विजय चाहिए, जो भी आपके विश फुलफिल होगी, उन्होंने बोला था मुझे कि आप अगर चुन्नी चढ़ाएंगे ना, जो भी आता चुन्नी चढ़ाता ना, उनकी विशेष फुलफिल होते, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप भी चुन्नी चढ़ाएं। अंधकार को दूर करने वाली, ऐसे ऐसे करके 108 माताएं हैं। हम आपको एक बार वीडियो बना के दिखा देंगे, पर यहाँ पे एक एक का परिचय देना मुश्किल हो जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। बट हम आपको एक एक के दर्शन जरूर कराएंगे। आप दर्शन कर लीजिए और अपनी आंखें पवित्र करके माता के दर्शन कर लीजिए, आप भी धन्य हो जाइए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 108 माताएं यहाँ पे विराजमान है, पर यहाँ पे एक जो माता वहां पर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 109 चंदन। जैसे कि यहाँ का कहना है, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका ये मंदिर का नाम रजिस्टर है। आपको पता नहीं होगा, ये जोधपुर में स्थित ये मंदिर है, आप यहाँ पे जरूर विजिट कीजिएगा। यहाँ पर 109 माता का यहाँ पे विराजमान है। यहाँ पे माता किसी चीज की यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका रजिस्टर हुआ है। अब आप देख सकते हैं ऊपर भगवान स्थित है, अभी हम वहीं चलते हैं। यहाँ माता रानी है, ऊपर भगवान है, भगवान जी। पूरी जो मूर्तियां है ना, ये जो मूर्तियां काउंट करते तो होते हैं 108, और इंक्लूड करते हैं तो होते हैं 109। तो हम लोग आ गए हैं पद्मावती मंदिर में। यहाँ पर मैं यहाँ पे खुद पढ़ा था श्लोक पढ़ रही जो माता की है, कि 19 पे यहाँ पे अध्याय में लिखा हुआ है, जो माता का नाम पुकारे परदेशों में नाम कमावे, वन वांछित धन संपत्ति पावे। और यहाँ पर मैं 34 पर एक श्लोक पढ़ लेता हूँ, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तू सीता, तू राधा, तू काली, तू लक्ष्मी, तू दुर्गा, जग जग सवारणी तू है, सरस्वती उमा रानी, कल्यात्री, चित्रम्बा भवानी। मतलब हर माता का यहाँ पे नाम दिया गया है, वहाँ पद्मावती को यहाँ पर सम्मानित किया जाता है।
मैंने यहाँ पे पढ़ लिया है फिलहाल, चलो आपको आगे कराते हैं फिर मंदिर। फिलहाल ये पूरा पसीने हुआ टिकेगी नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कांच के लगा हुआ, कलर कुछ अलग है, चंदन है, चंदन चंदन इसे चंदन कहते हैं। यदि 5 दिन में वैसे उतर जाएगी पर श्रद्धा के लिए मैंने लगा दिया। तो दोस्तों अब मेरी बारी, यहाँ पर ऊपर जाने का स्थान है, वहाँ पे 108 भगवान स्थित है, हम आपको बताएंगे अभी वहाँ पर। चलो दोस्तों ये सीढ़ियाँ हैं, आपको बता दो मेनली ये जैन मंदिर है, जैन लोग आप जानते होंगे जो यहाँ पे पूजा करते हैं, जैन लोग स्पेशली यहाँ पे आते हैं। जैन लोग के ये जो हमारे जैसे माताएं होती हैं, जैसे हम हमारी विशेष माता होती है, उस टाइप में जैन के अलग भगवान होते हैं, उनकी अलग विशेषता है। यहाँ पर आपको ये हम आपको बता दें, इस मंदिर का निर्माण कब हुआ है? 2002 में रिसेंटली ही इस मंदिर का निर्माण हुआ है, बट यहाँ पे धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे है खाली सीमेंट की, एक बार अपने दर्शकों को बता दीजिए। अंडर कंस्ट्रक्शन है क्या? पता रेनोवेटिव हो रहा हो? क्या रेनोवेट हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइल लगी हुई है, नीचे टाइल क्या पता लगी है, उन्होंने चेंज की हो, धीरे धीरे ये लोग काम चल रहा है, क्या पता, बट कुछ कह नहीं सकते। हम लोग खुद यहाँ पे पहली बार आए हैं, इतने साल हो गए यहाँ पे जोधपुर में रह रहे हैं, हमने फर्स्ट टाइम ये मंदिर डिस्कवर किया है। काफी अच्छा ये मंदिर है क्योंकि इसका आर्किटेक्चर बहुत ही प्यारा है। दान किया है इस मंदिर में, अपना विशेष अपना दान किया है, मेरे हिसाब से उनका यहाँ पे नाम और फोटो यहाँ पे गिरा किया हुआ है। ये लोग कहाँ से आए? ये लोग मुंबई से आए हुए हैं, ये जोधपुर के हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 19 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे भगवान का यहाँ पे विसर्जित है, मेरे हिसाब से इन्होंने ये स्पॉन्सर किया है या फिर इन्होंने स्पॉन्सर किया है, ये लाभ वर्षीय परिवार। हाँ 19 नंबर मतलब इनमें इन्होंने बनवाया है, पूरा खर्चा इनका है। जो 20 नंबर है जो इन्होंने बनवाया है, 21 नंबर है इन्होंने बनाया, ऐसे ऐसे करके ये परिवार के मेरे हिसाब से यहाँ पे नाम लिखे हुए है। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सीधे लगाए हुए हैं, यहाँ पर ऊपर जो गुम्बक है वहाँ पे कुछ काम चल रहा होता है, इसलिए यहाँ पे सीधे लगाए हुए उस टाइप की। एक बार आप जूम करके यहाँ पे दर्शकों को दिखा दीजिए, जूम कर यहाँ पर हम ऊपर वाले सेक्शन में आ गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 108 भगवान विराजमान है और वहाँ पे 109 दर्शकों को दिखा दीजिए। वहाँ माँ की जगह आपको अच्छे से दिखाएंगे, अब भी हम यहाँ के दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 109 चंदन पार्श्वनाथ विष्णु का प्रथम, 108 पार्श्वनाथ भगवान जी का उज्जैन महाकाल प्राण, यहाँ तो पूरी डिटेल्स दी हुई है, मतलब विष्णु का पहला 108 चंदन प्रभा मंदिर है, ये जैनों का ये मंदिर है, पूरे विश्व में इस मंदिर का डंका बजता है। और आप लोग जोधपुर में रहते हैं और आपको इसके बारे में पता ही नहीं है, लोग बाहर से आते हैं इस मंदिर के दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 108 पार्श्व भगवान यहाँ पे विराजमान है, भगवान यहाँ पे, हम आपको एक एक करके सबके दर्शन करवाएंगे, आप सभी हाथ जोड़ के दर्शन कर लीजिएगा, आपको भी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मैं तो यही चाहता हूँ आप भी हाथ जोड़कर एक बार अपनी अपेक्षाएं अपनी जो भी विषय है एक बार मांग लेना, यहाँ पर भगवान सबकी पूरी कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते कितना यहाँ पे शानदार यहाँ पे एलिवेशन का काम किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते पूरी गहराई, यहाँ पे एलिवेशन कहते हैं जैसे व्हाइट बाइट है ना पत्थर, ये काफी महंगा है आपको बता दूं। तो यहाँ पे नॉर्मली जो हम लोग हमने आए जो आपको लास्ट मंदिर बताया था उसमें हमने बताया था जैसे कि वो शिव मंदिर था उसमें वो वाला पत्थर है ना, एज कम्पेयर टू दिस वो हाफ रेट में, आपको बता दूं ये मार्बल है पूरा, ये मार्बल ये काफी एक्सपेंसिव होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपेंसिव यहाँ पे काम हो गया है। और 108 यहाँ पर 108 पहले हम लोग ने जब यहाँ पे आए थे मैंने देखा कि यहाँ पे मूर्तियाँ तो सब
एक जैसी लग रही है, इन्होंने तो एज इट इज बना दिया। पर जब हमने ध्यान पूर्वक ध्यान से देखा, आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी न किसी हर मूर्ति में अलग विशेषता है, यहाँ पे अलग बारीकी से काम किया गया है, सभी मूर्ति एक दूसरे से अलग है, मतलब काफी सिमिलरिटीज है बट एक दूसरे के सेम नहीं है, सब अलग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी मेहनत की गई है। एक बार आप हमारे जो कस्टमर्स है, सॉरी जो हमारे दर्शक है, उनको दिखा दीजिए। एक्चुअली क्या दुकान पे जाता रहता हूँ, कस्टमर्स आके सॉरी, तो यहाँ पे इन दोनों मूर्ति के आप विश्लेषण कर दीजिए यहाँ पर अपने दर्शकों के लिए। इस मूर्ति में और इस मूर्ति में कितना डिफरेंस है, अलग अलग रूप है इनके, 108 रूप है, 108 ये है और 109 को चलिए गाइस अब वहां चलते हैं, आप वहां पे आके दर्शन कराते हैं, फिर यहां से हम लोग चले जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहां पे आ गए हैं, 108 हमने आपको बता दिया है भगवान, अब यहां पे 109 जो लास्ट है, तो हम आपको दर्शन करवाते हैं। आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे खूबसूरत ये बनाया हुआ, मेरा मन तो गदगद हो गया देख के। चलो दर्शन करते हैं, आप भी दर्शन करिए और हम भी दर्शन करते हैं। आरती की यहाँ पे थाली पड़ी है, आप देख सकते हैं आरती की थाली पड़ी है, यहाँ धूप है और यहाँ गाइस यहाँ पे एग्जिट पोल है, अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। ये हमने गाड़ी में लिया था, नहीं यहाँ पे बता दी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये येलो जो पत्थर है यहाँ भक्ति होती है, जागरण होते हैं। जिन लोगों ने यहाँ पे सेवा पानी की है, जिन्होंने अपना दान पात्र किया है, वो सभी का यहाँ पे नाम है और यहाँ पे उन्होंने बहुत ज्यादा किया है, उनका भी दिया हुआ है यहाँ पर, सभी के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा नाम बता सकता हूँ, दिल्ली से उज्जैन, चेन्नई, जयपुर, बेंगलुरु से, मुंबई से, उदयपुर से, विजयगढ़, यहाँ पे राजमुंड्री जड़ी, यहाँ पे छोटे छोटे जो स्टेट्स है, कर्नाटक, कोलकाता, रांची, यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया के कोने कोने से यहाँ पे लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, स्पेशली जैन लोग आते हैं, उन्हीं का स्पेशली मंदिर है, यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी श्रद्धालुओं की, देखना है तो स्क्रीन शॉट आप करके देख सकते हैं, रोक के एक बार दिखा दीजिए। होप सो गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके भी मन गदगद हो गया होगा दर्शन करके, मैं तो बहुत ही शांतिपूर्वक हो गया दर्शन करके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, बाय।